मंगो को मंगो को मंगा रहा है कह रहा हट हट कितना नोटी हो गया यार ये गाइस दही पे दही आन दे गाइस दही पे दही आन दे गाइस जान दे रुकने मत दे जान दे आन दे आन दे मोमोज जान दे दही आन दे आन दे आन दे हलवा पूड़ी खान दे कहाँ दही कहाँ है भाई भाई मेरी नीट पकड़ी है भाई भाई मेरी नीट पकड़ी है एक चम्मच दे दे भाई माँ की कसम बहुत सुंदर बच्चा लग रहा हूँ दही खा के। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस तो गाइस सुबह में उठा था, बच्चे ने डिमांड करने लगे, कह रहे वो लेके आओ क्या कहते हैं इसे ब्रेड पकोड़ा ब्रेड, तो मैं उनके लिए ब्रेड लाया था। वो गाइस ऐसे खाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, इतनी सी खाई उसने महंग ने और बाकी छोड़ के भाग गया खेलने। और गाइस जब ये बच्ची हुई मैं खा लूँगा, शीतू और मैं ही खाते हैं इनकी बच्ची हुई, जितना भी बस्ता है ना इनका हम ही खाते हैं। तो गाइस ये मेरी चाय और कड़ी पकौड़ा मतलब ब्रेड और सब्जी और चटनी, तो गाइस ये सब है। तो क्या ना सुबह सुबह बच्चों की सबकी डिमांड होती है कि कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए सुबह सुबह, मतलब ठंड हो ठंड पड़ गई है गाइस सबको पता है, तो ऐसी चीज़ें बच्चे मांगते हैं। तो मैं लेके आ गया इनकी खुशी के लिए और ये खाते भी नहीं पूरा, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो गाइस फिलहाल वीक और ब्रेड को इन्जॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये हमारा ट्रैक है जहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, हमने चार पाँच दिन से ना स्पीड रनिंग थोड़ी कम कर दी थी। तो गाइस 1600 मीटर मारने में हमारे डाउन हो गया, क्योंकि कंटिन्यू बना रहता ना बंदा तो स्टेमिना ठीक रहता है। बाहर की चाय सैंडविच बर्गर खा खा के हमारी हालत ऐसी हो गई। और गाइस ये है ना एक चीज़ और बताना चाहता था कि हम रनिंग कर रहे थे ना, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं रनिंग करता तो शूट कैसे करता, हम दोनों भाई हैं ग्राउंड में कोई है नहीं। लेकिन हम तो 1600 मीटर मारने के बाद रुके नहीं, कंटिन्यू चल रहे हैं, रुकना नहीं चाहिए एकदम। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा इसलिए है कि हार्ट बीट बिल्कुल डाउन हो जाती है ना, अगर वहाँ पर बैठ जाएंगे तो हार्ट बीट बिल्कुल डाउन हो जाएगी, चलते रहने से ना वो नॉर्मल हो जाती है। ओके ये भी एक रीज़न है। हाँ। लेकिन एक गाइस एक बात हूँ, पसीना पसीना होगा, बहुत मज़ा आया रनिंग मारने में, और ये ट्रैक मुझे ना बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा। देखो गाइस नितिन भाई का हाल देखो क्या हो गया, मेरा भी देखो इतना बुरा हाल, कोई नहीं हो जाएगा सब सही हो जाएगा। तो गाइस फोन भी नहीं उठा जा रहा आज से ही, तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आपसे गाइस हमारे भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, आपके प्यार की ज़रूरत है, कर दो यार, इतने भाई ने बोला। हाँ तो गाइस मैं बोल रहा हूँ, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो गाइस दोस्तों अभी मिलते हैं आपसे, मैं हाथ भी दुख गया कुछ। गाइस मैं उधर से घर पर आ चुका हूँ, रेस्ट करा मैंने थोड़ा सा, वो गले में ना मट्टी इतनी घुस गई तो खांसी वांसी भी होती है। कौन सा तुम्हें जो पता तुम भी यहां से कभी मिट जाए। भाई ये गाय बोल रहा था, गाय क्यों बोल रहा था, तुम्हें जो पता देख मम्मी मेरी जान देख देख मेरे कदमों में आए। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये ऐसा गाना गाते हैं, ऐसे गाने नहीं गाते बेटा, ये मेरे को बता रहा था, ऐसे नहीं होते, गलत बात है। देखो भाई दोस्तों पता नहीं कहाँ से सिखाता है इन चीजों को, ऐसे मत गया करो, इनके लिए मैं कचौड़ी लाया था गाइस, बहुत अच्छी, मेरे को नहीं बताता, मेरे को बताया था इनके लिए कचौड़ी लाया था गाइस, ये बच्चे कचौड़ी खा ले ताकि। तो गाइस सीतू ने बनाई है नींबू टी, ये रही और खुद मट्ठी खा रही, मुझे नहीं खिला रही शीतल। तो गाइस कोई नहीं, गाइस टी पीने के बाद मैं शीतल का जो पिछली जो छूट गया था ना ब्लॉक में, दुकानें बंद हो गई, छूटे जा रहे इस बार हम टाइम से जा रहे हैं, अपनी छूटे ना वो लेके आ जाते हैं और शीतल का काम जो है पूरा करते हैं। तो गाइस बहुत जरूरी है ये चीज ना करना, काफी टाइम से बोली है, ये एक टारगेट का ये ना कुछ छूट दिया ना तो ऐसा दिक्कत होती है, लगता है कि ना जल्दी पूरी हो जाए, ये एक टारगेट हो चुका है हमारे लिए, एक छोटा सा सामान लेना। आ जाना तो पक्का। तो गाइस मिलते हैं मार्केट में, वो टॉपिक किसी और को पहनना। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं कि इस बार सामान आ पाता है या नहीं, मतलब एक माइनर छोटा सा सामान भी नहीं आ पा रहा इतनी टाइम से, तो अब चलते हैं, आप देखते हैं कि अब आ पाता है या नहीं आ पाता। आज पक्का लेके और बस सर्दियां भी स्टार्ट हो गया, सर्दियों के कभी कपड़े निकाल दिए मैंने आरू के लिए, जैसे मंकू के जो कुछ छोटे कपड़े हो गए थे ना तो वो दीदी ने भेजे थे, तो वो अब आरू के आने लग गए, मंकू के छोटे हो गए तो आरू के भी निकालूंगी, और जो छोटे हो गए उन्हें साइड करते जाएंगे।
गाइस सीतु आ गया मार्केट में, अब चलते हैं मार्केट के अंदर, चलो चलो। फाइनली मिल गया शीतल को, नहीं तो मैं तो सोच रहा था मिलेगा नहीं। ये था क्या वो? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? सो गाइस मतलब वहाँ पे जो ना हमें समझ में नहीं आया था, तो ना यहाँ पे मुझे ना एक बार मैं पूछी गई थी, तो यहाँ पे मुझे रेट जो ना थोड़ा सही लगा था, तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पर भी ट्राई कर लेती हूँ, अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो। अगर यहाँ पे मुझे बजट में मिलाना तो मैं यहाँ से ले लूँगी बीकेटी से, तो देखते हैं वहीं जा रहे हैं। यहाँ तो बहुत हैवी रेट था, हम जाएंगे वापस वापस धक्के खाएंगे तो वहीं से लेके आएंगे गाइस। कोई नहीं, शीतल का भी डाउट क्लियर हो गया, और उधर का रेट वेट का हाँ उधर से ले लेंगे रोड लेना ना, उधर फाइनली कर देंगे। तो गाइस फिलहाल हम खाएंगे गोलगप्पे, फिलहाल हम लोग खा रहे हैं यहाँ से गोलगप्पे, हमारे अभी इनके बाद हमारा नंबर है। और अब जाके मैं रिलैक्स होकर बैठूंगा। तो गए शीतल के साथ, मैंने शीतल को सारा सामान दिला दिया जो भी उसको चाहिए था, और शीतल इस खुशी में हमें हमारे लिए बना रही है मूली के पराठे, मुझे बहुत पसंद है यार। तो वो शीतु, तो थैंक यू यार शीतू हमारे लिए मूली के पराठे, लेकिन मुझे थैंक यू नहीं बोला इसने कभी शीतू ने, क्योंकि मैं इसे ना गाइस वो दिला के आया हूं शॉपिंग करा के आया हूं, इस चीज के लिए थैंक यू बोलने तो मेरा आप शीतू का थैंक यू और मेरा थैंक यू वो बराबर हो गया नहीं, मतलब आप करम दोनों ने एक दूसरे के लिए तो बराबर हो गए। गाइस ये जो मूली है ना बहुत गंदी थी, तो इसको मैंने वॉश कर दिया है, इसको पिल कर दिया है, मतलब छील दिया है इसको, और अब रवि जी को दे दिया मैंने, देखो मैंने कहा करते रहो घिसते रहो, मैंने कहा घिसोगे ना हेल्प करोगे तभी पराठे मिलेंगे, पराठे खाने ना तो मजे से हेल्प करनी पड़ेगी। अबे यार मैं स्कूल में मूली खाता था यार, वो नींबू लगा के, वो कितनी मजे बना दे यार, वो बहुत मस्त लगती थी वो, लेकिन यार मसाला अलग होता था, वो चाट मसाला टाइप में होता था, काले नमक से बन जाती है, नींबू लगाते थे यार, और खीरा सबसे बेस्ट लगता था, नींबू और काला नमक डाल के बन जाए यार। दोस्तों हम स्कूल पढ़ते थे ना, आपके पराठे फिर आपके पराठे कम कर दूंगी मैं, स्कूल के पास ऐसी मूलियां मिलती थी उसमें नींबू और बहुत अच्छा लगता था यार, ऐसी मूलियां पानी आ गया यार, मजेदार होती तो थी। तो मैं शीतल को मैं वही बोल रहा हूँ ऐसा कुछ बना दे, लेकिन ये सुनती कहाँ यार, गरीबों को कोई नहीं सुनता, जल्दी जल्दी घिसो तो पैसे मिलेंगे। करारा नोट दिया है क्या? तो गाइस काला नींबू पड़ा है, काला नमक पड़ा है, तो यार बना देगी तो खा लेंगे यार, मन चलो एक ये छोटी वाली बना देते हैं, वेल ट्राई करके देखो, ये वाली बना देती हूं, वेल ट्राई करके देखो। गाइस इनकी इच्छा को मैंने पूर्ति कर दिया है, इनकी इच्छा पूर्ति कर दिया, और ये जो ना नींबू वाली मांग रहे थे ना, इच्छा पूरी, चाट मसाला तो था नहीं, तो मैंने काला नमक और नींबू डाल के ना इनको दे दिया, थोड़ी सी मैंने खा भी ली, तो ये लो जी मेरी गुलुल फ्लैंड है गाइस, एक बहुत अच्छी नक्शेदार शानू को, ये खोपड़ा किसका है, काला सा खोपड़ा बीच में आला है मेरे बच्चे के बीच, गुलुल फ्लैंड गाइस, इन दोनों भाई के बीच में एक छोटा सा पौधा है, ये बहुत गजब है गाइस, ये बहुत सुंदर है, इसकी एक कलोल मीठी मीठी ले लूंगा शाले की, हाँ कितना सुंदर बेटा, इसकी काले रंग की लम लम है, मैं छप्पा करता हूँ शानू से गाइस, दही पे दही आन दे गाइस, दही पे दही आन दे गाइस, जान दे रुकने मत दे, रुकने मत दे, जान दे आन दे आन दे, मोमोज जान दे, दही आन दे आन दे आन दे, हलवा पूरी खान दे, कहा दही कहा है भाई, भाई मेरी नीट टपक रही है भाई, भाई मेरी नीट टपक रही है, एक चम्मच दे दे भाई, माँ की कसम बहुत सुंदर बच्चा लग रहा हूँ दही खा के। तो गाइस मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं कुछ भी काम करता हूँ शीतू देवी एक नए काम लेके आ जाती है, अब दही फेंटने का काम मुझे मिला है, तो गाइस दही फेंटते हैं, एक हाथ से शूट कर रहा हूँ एक हाथ से फेंट रहा हूँ, देखो ये गाइस ये टैलेंट है बचपन से यार अपने अंदर, एक हाथ से कर देता हूँ मैं, इनमें क्या होगा इनमें कंचे खेलते हैं, वो बीच में बैठा ना उसमें टैलेंट मेरे बराबर। तो गाइस फाइनली शीतू जी ने बनाए हैं पराठे, मूली के पराठे, और गाइस रायता बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस, देखो वो वेरी टेस्टी लग रहा है, मजा आ गया। तो थैंक यू शीतू को, शीतू थैंक यू यार इतना अच्छा बनाने के लिए, थैंक यू यार, कोई दिक्कत नहीं है, हर हस्बैंड का कर्तव्य होता है यार, मक्खन लगा दो यार,
तो गाइस एक कमी रह गई ना, चितू ने मक्खन नहीं डाला यार। गाइस बहुत अच्छे बना रहे, मैं दिखा दूंगा कितने सुगंध फैल गई घर के अंदर। देखो पराठे की, देखो गाइस पराठे बनाने की टेक्निक है, पन्नी के अंदर बना रहे चितू ताकि चुपके ना, क्योंकि पानी छोड़ रहा चितू ऐसे कह दिया। और ये बने पराठे देखो कितने सारे, देखो गाइस। तो पराठे बना रहा हूँ, पन्नी के ऊपर इसलिए बनाना पड़ रहा है, बिकॉज मूलियां दोनों यार पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए पूरा चकला गंदा हो जाता है, तो इसलिए इस पे बना रहा ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। मंगू कट आएगा अब, इसने देख ली लाइट, अब देख लिया कैमरा, अब इसकी एक्टिंग चालू, अब पूरी एक्टिंग चालू इसकी। तो गाइज पराठे इतने टेस्टी बने थे, मज़ा आ गया गाइज, बहुत मज़ा आ गया। मैंग और हमने इतने मज़े किए घर ही घर में गाइज, बहुत मज़ा आ गया। तो गाइज व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज खुश रहे। मैं